नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। राजकीय महाविद्यालय करौली के द्वारा विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में जारी नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। डाउनलोड्स दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने फॉर्म्स का ऑप्शन दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें गेस्ट फैकल्टी फॉर्म, गेस्ट फैकल्टी ऑर्डर, गेस्ट फैकल्टी नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे गेस्ट फैकल्टी नोटिफिकेशन के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है 22/6/2021 विज्ञप्ति। दिनांक 30/3/2021 की अनुपालना में महाविद्यालय में अध्ययन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विद्या संबल योजना के अंतर्गत निम्न विषयों में अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में परिपत्र बिंदु संख्या 4K में वर्णित स्तर से बिंदु संख्या 5 में वर्णित दे मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन आवेदन दिनांक 20/7/2021 सायकाल 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। अर्थात आवेदन करने की अंतिम तिथि 22/7/2021 सायकाल 5 बजे तक रखी गई है। पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन 35 या डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। इस हेतु महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी निजी अभ्यर्थी अथवा महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियमों के तहत सेवानिवृत्त शैक्षणिक अधिकारी ही आवेदन करें। निजी अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी। आमंत्रित शिक्षकों से केवल कालांश के आधार पर स्पष्ट किया गया है। आमंत्रित शिक्षकों से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी से निर्धारित शपथ पत्र भरवा कर लिया जाएगा। अधिक जानकारी आवेदन पत्र का प्रारूप, न्यूनतम योग्यता, शपथ पत्र आदि के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करें। तो इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी सहायता से आप इस वेबसाइट पर पहुंचकर और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। राजकीय महाविद्यालय करौली, राजकीय महाविद्यालय मासलपुर, राजकीय महाविद्यालय मंडरायल। रिक्त पदों के संदर्भ में जानकारी दी गई है। राजकीय महाविद्यालय करौली में अर्थशास्त्र का 1 पद है, भूगोल का 1 पद है, राजनीतिक विज्ञान का 3 पद हैं, ABST के यहाँ पर 1 पद है और व्यावसायिक प्रशासन का यहाँ पर 1 पद। टोटल 7 पद रिक्त रखे गए हैं जिन पर भर्ती करनी है या गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करनी है। राजकीय महाविद्यालय मासलपुर में समाजशास्त्र का 1 पद, हिंदी का 1 पद, भूगोल का 1 पद, अंग्रेजी का 1 पद, टोटल 4 पद रिक्त हैं। राजकीय महाविद्यालय मंडरायल में यहाँ पर विषय हिंदी में 1 पद है, अंग्रेजी में 1 पद है, इतिहास में 1 पद है, भूगोल में 1 पद है और राजनीतिक विज्ञान में 1 पद। टोटल 5 पद रिक्त हैं जिनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करेंगे हम सेकी नोटिफिकेशन के संदर्भ में, आवेदन पत्र के संदर्भ में। गेस्ट फैकल्टी फॉर्म दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी विद्या संबल योजना। दिस रिक्रूटमेंट इज टोटली टेम्परेरी। कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल शुड बी अलोंग विद दिस ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन ए सिंगल PDF फाइल एंड टू बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी हैव टू बी शोन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू विच इज़ नॉट रिलेटेड टू योर, प्लीज़ राइट एन ए। तो
तो ये स्पष्ट किया गया है। तो एप्लीकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिया गया है, रिसेंटली पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, इसके पश्चात नेम ऑफ द डिपार्टमेंट या कॉलेज, पोस्ट अप्लाइड और सब्जेक्ट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें नेम ऑफ द कैंडिडेट, DOV, जेंडर, फादर्स नेम, कैटेगरी एंड मेरिटल स्टेट के संदर्भ में जानकारी देनी है। इसके पश्चात हमें कंप्लीट परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा जिसमें पिन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आदि के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करानी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसमें 10th, 12th, UG, PG, MPhil, PhD, NET, CRF, SET, अदर्स इफ़ एनी, टीचिंग एक्सपीरियंस के संदर्भ में यहाँ जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके पश्चात स्कॉलरस्टिक अचीवमेंट्स, प्लीज़ यूज सेपरेट सीट इफ़ नेसेसरी, पार्टिकुलर्स जिसमें पब्लिकेशन, इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस इफ एनी, पब्लिशेस कंट्रीब्यूटेड्स अवार्ड्स, इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़, एकेडमिक एक्सेलेंस इफ़ एनी के संदर्भ में यहाँ जानकारी उपलब्ध करानी होगी। डिक्लेरेशन है यहाँ, और यहाँ प्राप्ति रसीद है, महाविद्यालय में जमा कराते समय हमें प्राप्ति रसीद लेनी होगी के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। श्री पुत्र श्री शिक्षा संबल योजना अंतर्गत फैकल्टी विषय हेतु आवेदन पत्र दिनांक समय को प्राप्त किया हस्ताक्षर जमा करता तो महाविद्यालय में 31 या डाक द्वारा भी इसे प्रेषित कर पाएंगे। अब बात करेंगे हम दिशा निर्देशों के संदर्भ में। दिशा निर्देशों के संदर्भ में पूर्व में एक विस्तार पूर्वक वीडियो हमने बना रखा है गैंस फैकल्टी ऑफ ऑर्डर, दी गई लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। 11/6/2021 को आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा गेस्ट फैकल्टी के संदर्भ में यहाँ जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी। इसके संदर्भ में हमने एक वीडियो विस्तार पूर्वक बना रखा है जिसका अवलोकन आप विद्या संबल योजना एक प्लेलिस्ट हमने इस चैनल में बना रखी है, उस चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आप उसका अवलोकन अवश्य करें। शैक्षणिक रिकॉर्ड के संदर्भ में इंटरव्यू के लिए जो वरीयता मापदंड बनेंगे उसके संदर्भ में यहाँ जानकारी उपलब्ध करवाई गई है कि किस प्रकार जो मेरिट का निर्धारण किया जाएगा और किस प्रकार यहाँ पर जो प्रारूप है, शपथ पत्र जो विद्यार्थियों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सबमिट करना होगा के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। तो इसे भी हमें फिल करने के पश्चात एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। मानदेय के संदर्भ में भी हम पूर्व वीडियोज में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। गेस्ट फैकल्टी के संदर्भ में आपका कोई भी क्वेश्चन अगर है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक भी दे दिया गया है जहाँ पर आप विभिन्न एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर जो जानकारी है वो आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE विद अजय सम के साथ। जय हिंद, जय भारत।